नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेंस इंडिपेंडेंस में। मैं अविजन आपके साथ। जानते हैं आज के कुछ खेल समाचार। कोलकाता में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत के हीरो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव रहे, जिन्होंने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ही फील्डिंग करने का फैसला कर लिया था। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में ब्रेडन किंग का शिकार किया। इसके बाद काइल मेयर्स और निकोलस पूरन ने दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़ दिए। काइल मेयर्स ने 31 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 43 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। पूरन ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के भी लगाए। निचले ऑर्डर में कायरन पोलार्ड ने 19 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट खोकर 20 ओवर्स में 157 रन बनाए। भारत की तरफ से हर्षल पटेल और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट भी झटके। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, रोहित ने धुआंधार 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। ईशान किशन ने 35 और कोहली ने 17 रन का योगदान दिया। वेंकटेश अय्यर ने 13 गेंदों में 24 रन कूट दिए। बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले के दौरान ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहे यूजर्स ने मैच के दौरान जमकर हैशटैग चलाए और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अपनी राय भी दी। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग, जिसमें पहले नंबर पे थे हैशटैग रोहित शर्मा। जी हाँ, ट्रेंडिंग में रोहित शर्मा सबसे टॉप पर रहे। ईडन गार्डन्स में एक बार फिर रोहित का बल्ला चला। कप्तान रोहित ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। रोहित की धुआंधार बल्लेबाजी देख एक यूजर ने IPL मैच की एक पुरानी तस्वीर शेयर करी, जिसमें दर्शक कार्ड लिए ईडन गार्डन का नाम बदलकर रोहित गार्डन रखने की बात कह रहे हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर जो ट्रेंडिंग हैशटैग रहा, वो था हैशटैग विराट कोहली। ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर विराट कोहली रहे। कोहली ने 13 गेंदों में 1 चौके की मदद से 17 रन की पारी खेली। जाहिर है कि कोहली से हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन पहली T20 मैच में ऐसा नहीं हुआ। कोहली की पारी को देख एक यूज़र ने तो उन्हें रिटायरमेंट लेने की सलाह तक दे डाली। यूज़र ने लिखा, 34 साल के विराट कोहली को अब संन्यास लेने पर विचार कर लेना चाहिए, ताकि जो युवा खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मौका मिले। विराट कोहली अब ख़त्म है,